नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिकल हिंदू में। दोस्तों, ये कहानी है बाबा फूला सिंह की शहादत की, जब सेना ने पेशावर में भगवा लहराया था। अफगानी आजम खान की सेना ने बलपूर्वक पेशावर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये अफगानी सेनाएं नौशहरा के मैदान तक पहुंच गई थी। ये सब सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने हरी सिंह नलवा एवं दीवान कृपा राम के नेतृत्व में उनका मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में सिखों को खैराबाद भेजा। महाराजा के साथ बाबा फूला सिंह अटक नदी के किनारे डट गए, पर शत्रुओं ने अटक पर बना एकमात्र पुल बारूद से उड़ा दिया। इससे दोनों समूहों का आपसी संपर्क कट गया। इसके बाद रणजीत सिंह ने अपनी सेना को नदी पर नावों का पुल बनाने का आदेश दिया, लेकिन उसी दौरान एक गुप्तचर ने इस बात की सूचना दी कि उनका जो दल अटक पार था वो दुश्मनों से घिर गया है। इस सूचना को सुनते ही रणजीत ने घबराई हुई नजरों से बाबा फूला सिंह की तरफ देखा। बाबा के संकेत को समझकर उन्होंने अपना सिर झुकाया और सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही 500 लोगों की सेना ने तेजी से बहती नदी में घोड़े उतार दिए। सभी साहसी वीर नदी की धारा को चीरते हुए अफगानी सेना पर टूट पड़े, जिसके बाद सेना ने जहांगीरा के किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानी सेनापति मोहम्मद खान लुंडा ने 30,000 सैनिकों के साथ पहाड़ों पर मोर्चा बांधा। रणजीत सिंह ने फिर से बाबा फूला सिंह के नेतृत्व में 1,500 सैनिक भेज दिए, लेकिन फूला सिंह जरा भी चिंतित नहीं हुए। उन्होंने सैनिकों को ललकारते हुए गुरु गोविंद सिंह के चिड़ियों से बाज लड़ाने की बात कही, जिसके बाद उनके सैनिकों में उत्साह की लहर दौड़ उठी और युद्ध शुरू हो गया। तलवारें आपस में टकराने लगीं। महाराजा ने जल्द ही एक और बड़ी टुकड़ी सेना की सहायता के लिए भेज दी, जिससे सिख सैनिकों का हौसला बढ़ा और वे बोले, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल कहकर शत्रुओं पर टूट पड़े, जिसके बाद अफगानी सैनिक या खुदा कहकर भागने लगे। ये 14 मार्च 1823 का वो दिन था जब फूला सिंह की तलवार मुसलमानों पर कहर ढा रही थी। इसी बीच उन्हें एक गोली आ लगी। कुछ सैनिक उनकी सहायता करने को आगे बढ़े, लेकिन बाबा ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरी चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ। याद है ना, हमें पेशावर पर भगवा झंडा फहराना है। इसी दौरान एक अफगान सैनिक ने एक साथ कई गोलियां बाबा की ओर चलाई, लेकिन वो इस हमले को नहीं झेल पाए। बाबा के बलिदान होते ही सिख सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अफगान सेना पीछे हटने लगी। कुछ समय बाद अंततः पेशावर पर भगवा फहरा ही दिया गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।